चार साल तो डोनर कमेटी के दफ्तर इरीगेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर असी जन्ने आ। ये हर बरसात जिसले पानी आता है उस वे साढ़े घर पानी साढ़े दुकाना पानी असी जा के आख आके थके असी आखे असी जाम लाँगे असी आख आके रोके लख आखिर सानू ये काम करना पिया। तो फिर ही गल बनी 3 साल के बाद असी ये काम किया। 3 साल असी अपनी इन मुश्किल चलते रहे साढ़े घर नुकसान साड़ी दुकाना ही नुकसान। एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की कोई कुछ नहीं आया साढ़े को बड़े बड़े को सारे को किसी ने कोई गल तक नहीं आज तक इन नालों में कभी सफाई की कोई नाले कोई सफाई नहीं। सिर्फ कमेटी वाले अक्षीन साहब को गया उन्हें आखिया जी तो टेंडर होगा ये तक माल निकल जाएगा सुखा बिल निकलिया कोई टेंडर नहीं कोई कख नहीं कोई कम नहीं होया साढ़े घर दिखे जाए साड़ी दुकाना दिखी जाए असी आख आके जाके 3 साल हो गए 4 लगातार माड़ी जी बरखा पैंदी है साड़ी दुकाना पानी साढ़े घर पानी असी अगर सानू मजबूर ना करो सानू मजबूर ना करो फिर असी जाम लाइए सानू मजबूर ना करो आखिर सानू एक करना पिया। अज सवेरे बरखा पी तो पानी पानी साढ़े घर बार दिखे जाए तो साढ़ा यह पुली का मसला है यह कमेटी पुली पुट दो सारा मसला आ जाएगा पैसे असी कट्ठे करके दे देने पानी अपनी समस्या ये है कि अभी 2 साल तो काफ़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट भी गया कई लोगों से कॉलर कमेटी भी गया वो भी मना करते हैं कि सर ये हमारा नहीं है ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है आप वो करेंगे ऐसे करेंगे वहाँ पे एप्लीकेशन करी एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन थी उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था किसी चीज़ की यार हमारा काम है उसको तरीके से किया जाए। हर बंदा अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हर कोई अपना अपना जिम्मेवारी समझेगा तो ये काम जल्दी से जल्दी एक अच्छा कठुआ बनेगा हमारा। सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है स्वच्छ भारत करते हैं कितने घर है जिनको यहाँ समस्या परेशानी हो रही है। सर यहाँ से लेके बिल्कुल चौंक तक आगे तक चले जाओ सभी दुकानदार को घर वालों को समस्या ही समस्या जब से रोड ऊंची हुई है घर के लोगों के अंदर पानी जा रहा है और इतनी गंदगी जाती है अंदर जिससे परेशानी बच्चे बीमार होते हैं परेशानी होती है जो चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। अंत में आगे हमने खुद किया है तो बड़ा इशू है ना जल्दी बात है 2 मिनट वो हमें चाहिए कि हम चाहते नहीं कोई किसी को बारिश का मौसम शुरू हो चुका है शहर में गंदगी फैली है लोगों को कब तक म्युनिसिपल कमेटी कठुआ निजात दिला पाएगी इस गंदगी से। हम ये बारिश का मौसम तो ये ऊपर से मैसम आया है बारिश जो है ये 2-3 दिन बारिश रहेगी। हमने अपनी एजेंसी को सक्रिय कर दिया है हमारी जो JCB वगैरह मशीनरी जो है हमने तैयार की है वो लगा रही है जहाँ पर भी अड़चन आ रही है हम उसको रिमूव कर रहे हैं। हमारी लोगों से यही दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें म्युनिसिपैलिटी का साथ दें और जो गार्बेज है पॉलीथीन है वो नालियों में मत फेंकें उसको डस्टबिन में डालें और जो भी गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालें और जगह एक जगह इकट्ठा करें ताकि वो नाली में ना जाए और ब्लॉक ना करे नाली को जो ड्रेन है वो ब्लॉक हो जाती है उससे वो पानी ओवरफ्लो करता है और सड़क पर आ जाता है वो हमारे लिए परेशानी बनती है। हमने रिमूव की है जो स्लैब वगैरह भी है वो तोड़ी है और पानी का बहाव उसको क्लियर किया है और आगे भी जहाँ भी अड़चन आएगी हम इसको दूर करेंगे और हमारा पब्लिक से सहयोग चाहिए इस बारे में। अभी तो प्रशासन हर कदम आता है अब ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ताकि बरसात से पहले उन चीज़ों को साफ से सफाई की जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। कुछ हमने सर्वे किया है और उसके एस्टिमेट भी बने हैं वो आने वाले MLA साहब के पास भी है और प्रशासन ऊपर भी हमने भेजे हैं इसकी डेवलपमेंट के लिए ताकि जो अड़चन जो है ये दूर हो जाए जो पानी ब्लॉकेज की।